Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये आपका थर्ड पार्ट है. टू पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा. तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है. ऑप्शन आपके पास 2, 5, 7 या 10. तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है और खुद एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं. तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुएं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा. बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता या पूंजी खाता. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, खरीद खाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयात निर्यात जिसे एक्जिम भी कहते हैं बैंक स्थापित हुआ था, यानी एक्जिम बैंक कहाँ स्थापित हुआ था, कब हुआ था. 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है. ऑप्शन आपके पास व्यक्तिगत, नगद, वास्तविक या क्रेडिट. तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट करके बताइए. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक खाता जो होता है वो एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देवताओं से संबंधित होता है. तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि कौन सा लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी. यानी इनमें से कौन सा लेखांकन ऐसा है जिसके सिद्धांत के अनुसार ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है. ऑप्शन आपके पास आर्थिक इकाई, रूढ़िवाद, सुनाम प्रतिष्ठान या खर्च. तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी. ये आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है. पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक माना जाता है. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम 5BG क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा. तो यानी सॉफ्ट बैंक और किस कंपनी ने ऐसा काम किया है. अडानी लिमिटेड, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज या भारत इंटरप्राइजेस. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत इंटरप्राइजेस. डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया. भारत रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक. यानी जो SBI है वो आपका पहले था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उसके बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक पड़ गया. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो कि 1948 में पारित हुआ था द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है. यानी इन सभी लाभों में से एक लाभ कौन सा नहीं है. विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, अंतिम संस्कार लाभ या पुनर्वास लाभ. यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्वास लाभ इससे रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है. सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं. तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है. SIDBI, NABARD, SBI या RBI. तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश या किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्य का मापक होता है मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? सैन्य दल, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय नारी वाहिनी या स्वावलंबन दल। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वावलंबन दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आयात निर्यात बैंक, जिसे एक्जिम बैंक भी कहा जाता है, स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के या प्रधानमंत्री के। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई, यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष में हुई थी? 1941 में, 1940 में, 1937 में या 1935 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सॉरी एचएसबीसी बैंक, बंधन बैंक या मुथूट फाइनेंस। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन एक द्रवता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर या ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालू अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी वाणिज्यिक बैंकों के जब दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 4, 5, 6 या 8। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1970, 1975, 1977 या 1982। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1982। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको ये कथन रीड करने हैं, उसके बाद बताने हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला, M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली से मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है, या M4 = M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। तो आपको बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड या पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विनिमेश आयोग से रिलेटेड है? JV रामकृष्णा, TN मालेगा, राकेश मोहन या आबिद हुसैन। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा JV रामकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन कहलाता है। यानी अगर हम बाहर के देशों की अपेक्षा हमारे जो खुद के देश का जो रुपए है, मुद्रा क्या है, हमारे रुपए है, उसकी वैल्यू कम कर दे, जैसे डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का मूल्य कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? वो अवमूल्यन कहलाएगा। तो अवमूल्यन का अर्थ ये है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया? डॉक्टर डी सुब्बा राव, श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर उर्जित पटेल या श्री जयंता सिन्हा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा डॉक्टर उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा कि किस वर्ष भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? 1977, 1945, 1965 या 1969। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? YV रेड्डी, उर्जित R पटेल, रघुराम राजन या D सुब्बा राव।
यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उर्जित आर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया था। ऑप्शन आपके पास चीनी युआन, जापानी येन, यूरोपीय यूरो या यूएस डॉलर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा चीनी युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, 4000 करोड़, 45000 करोड़, 50000 करोड़ या 60000 करोड़। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 60000 करोड़। तो इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सभी को आप रीड कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।